फाइनली बिटकॉइन के प्राइस में ह्यूज राइज देखने को मिला है और ये कोई 3-4% का जंप नहीं था, पूरे 15% के अराउंड का जंप आया है बिटकॉइन के प्राइस में लास्ट 24 आवर में। इसके साथ ही इन्वेस्टर को थोड़ा रिलीफ भी मिला होगा। बिटकॉइन, इथेरियम एंड अदर मेजर क्रिप्टो सभी का प्राइस में हमें सिग्निफिकेंट राइज देखने को मिला है और ये बात भी सामने निकल कर आ रही है। US इस बात पर भी ध्यान रख रहा है कि रशिया क्रिप्टो का यूज सैंक्शन से बचने के लिए ना कर ले। इसी पर आज की वीडियो में हम बात करेंगे। फर्स्ट हम BTC का चार्ट एनालिसिस करेंगे एंड सेकंड हम बात करेंगे क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की। वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो माइंडर्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी 40,000 के लेवल बिटकॉइन के लिए रेजिस्टेंस लेवल है जिसको ब्रेक करना बिटकॉइन के लिए मुश्किल होने वाला है। बट लास्ट नाइट बिटकॉइन ने इसको ब्रेक कर दिया, वो भी ह्यूज वॉल्यूम के साथ, और $44,000 को क्रॉस करने के बाद इसमें थोड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। अभी बिटकॉइन का प्राइस ट्रेड कर रहा है $43,000 के राउंड। आप चार्ट पर देख सकते हैं $40,000 अब बिटकॉइन के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का रिवर्स रोल के बारे में। कल जहां 40,000 के लेवल रेजिस्टेंस की तरह वर्क कर रहे थे और अब सपोर्ट की तरह काम करेंगे। और आप डेली चार्ट पर देख सकते हैं 46,000 बिटकॉइन के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल है और इसी के राउंड ही 100-day मूविंग एवरेज भी है। इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करने के लिए बिटकॉइन लास्ट कुछ टाइम से ट्राई कर रहा है बट बिटकॉइन ने इसको ब्रेक करने से बार बार रिजेक्ट किया है। अब देखना ये होगा बिटकॉइन इन लेवल को ब्रेक कर पाता है या नहीं। अभी के लिए मार्केट में बहुत ज्यादा जंप आया है 50% का, इसलिए बिटकॉइन को थोड़ा करेक्ट होने दीजिए 50% के राउंड क्रिप्टो में फिर से एंट्री करने के लिए। यूक्रेन रशिया कन्फ्लिक्ट की वजह से क्रिप्टो मार्केट अभी भी बहुत वोलेटाइल बनी हुई है, इसलिए मार्केट में एक्यूमुलेशन स्ट्रेटेजी का यूज करके ही इन्वेस्टमेंट करिए। ये था दोस्तों बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस एंड मार्केट अपडेट्स। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब बात करते हैं क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज की। फर्स्ट न्यूज है KPMG कनाडा परचेज वर्ल्ड ऑफ वुमेन NFT। KPMG कनाडा चूज वर्ल्ड ऑफ वुमेन टू एनकरेज मोर वुमेन टू एंटर द NFT स्पेस। KPMG कनाडा ने वर्ल्ड ऑफ वुमेन NFT बाय की है वुमेन्स को एनकरेज करने के लिए जिससे वो और ज्यादा NFT स्पेस में पार्टिसिपेट करें। इसके अलावा एक सर्वे भी करवाया गया है, इसमें 1000 कैनेडियन को इंक्लूड किया गया था जिसमें ये इनसाइट निकल कर आई है कि 53% ये सोचते हैं NFT मार्केट ने वुमेन आर्टिस्ट के लिए नई न्यू अपॉर्चुनिटी अनलॉक की है जिसकी वजह से वो अपने वर्क को और ज़्यादा प्रमोट एंड मोनेटाइज कर पाएगी। 40% ये सोचते हैं अवतार क्रिप्टो वॉलेट एंड डिजिटल गुड्स आने वाले टाइम नॉर्मल हो जाएंगे एंड 8% ऑलरेडी NFT ओन करते हैं। ये एक बहुत ही पॉजिटिव इंसाइट देखने को मिली है हमें इस सर्वे में। यूक्रेन क्रिप्टो डोनेशन टॉप $29 मिलियन। यूक्रेन क्रिप्टो डोनेशन $29 मिलियन के अराउंड पहुंच गया है और इसका ये डोनेशन आया है क्रिप्टो करेंसी यूजर्स की तरफ से यूक्रेन को टू हेल्प द कंट्री डिफेंड इटसेल्फ अगेंस्ट रशिया इन्वेजन। जैसा कि आप सभी जानते हैं यूक्रेन एंड रशिया के बीच में वॉर चल रहा है। इसी बीच में यूक्रेन के जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने ये कहा था कि वो क्रिप्टो डोनेशन को एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए जो क्रिप्टो करेंसी के यूजर है वो ये डोनेशन कर रहे हैं अपनी तरफ से। नेक्स्ट न्यूज है eBay टू ऐड क्रिप्टो पेमेंट ऑप्शन सून सेज CEO। जैसा कि हम सभी जानते हैं eBay एक ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो वर्ल्ड वाइड वर्क करता है लाइक Amazon। अभी उनके CEO की तरफ से कहा गया है कि वो सोच रहे हैं eBay में क्रिप्टो पेमेंट ऑप्शन ऐड करने के लिए। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है क्रिप्टो करेंसी के लिए, इससे लोगों में क्रिप्टो को लेकर ट्रस्ट और ज्यादा बिल्ड होगा। नेक्स्ट न्यूज है रूबल डिनोमिनेटेड बिटकॉइन वॉल्यूम सर्ज टू 9-month हाई। BTC रूबल के वॉल्यूम में ह्यूज स्पाइक देखने को मिला है जिसकी वजह से BTC रूबल 9-month के हाई पर पहुंच गया है। इसकी एक ही वजह है वेस्ट कंट्री की तरफ से रशिया पर लगाए गए सैंक्शंस। जैसे कि हम जानते हैं यूक्रेन एंड रशिया के बीच में वॉर चल रही है जिसकी वजह से वेस्ट कंट्रीज ने रशिया के ऊपर कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिए हैं। इसका इम्पैक्ट ये हुआ है कि रशिया की जो करेंसी है उसकी वैल्यूएशन में काफी गिरावट देखने को मिली है। इसकी वजह से रशिया के लोग क्रिप्टो बाय कर रहे हैं और हमें बाइंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ये था दोस्तों आज का हमारा वीडियो। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड लास्ट हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। जय हिंद।